और कांग्रेस सीईसी की बैठक में महाराष्ट्र पर चर्चा। जी हां, महाराष्ट्र की 63 सीटों पर सीईसी में चर्चा। आज मुंबई में फिर महाविकास अघाड़ी की बैठक। शरद पवार उद्धव ठाकरे से मिलेंगे बालासाहेब थोराट। 25 अक्टूबर को कांग्रेस सीईसी की अगली बैठक। महाराष्ट्र में बीजेपी ने उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर देर रात हुई सीईसी की मीटिंग में 63 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत कर दिया गया है। तो 25 तारीख को हमारे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मीटिंग एक बार और होगा, और उसके पहले कल 3 बजे मुंबई में हमारे महाविकास अघाड़ी का मीटिंग होगा। 25 से हमारे पूरा सीट के बारे में फाइनलाइज करके अनाउंस करें। हमने 63 सीट्स को लिया और उसके बारे में चर्चा की है, फाइनल लिस्ट आपके पास दे दें। कांग्रेस सीईसी के बाद आज दोपहर 3 बजे एमवे की बैठक होगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट अलग से शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके सीटों पर फंसे पेच को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस 26 अक्टूबर को लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच विदर्भ सीटों को लेकर खींचतान जारी है। इन दोनों को एक साथ करने के लिए शरद पवार अहम भूमिका निभा रहे हैं। 2 दिनों में शिवसेना यूबीटी के कई नेता शरद पवार से मिल चुके हैं। वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं के उस दावे पर संजय राउत ने जवाब दिया, जिसमें कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात हुई है। त्यांच्याशी हातमिळवणी करणं म्हणजे औरंगजेब अफजल खानांशी हातमिळवणी करणं,